हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को और एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप अपने मोबाइल से लिए गए फोटोज से पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हो, ताकि अगर आप एक स्कूल या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप कोई और भी काम करते हो तो आप इजीली अपनी जरूरत के हिसाब से पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हो और भी मोबाइल से लिए गए इमेजेस से यानी फोटोज से। तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, अपने मोबाइल से लिए गए इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो हमें इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करके देगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले प्ले स्टोर पर आ जाऊंगा। यहाँ पे प्ले स्टोर पर आके यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है इसमें आपको सर्च कर लेना है पीडीएफ मेकर। पीडीएफ मेकर सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे, जिन सारे एप्लीकेशन का काम यही है कि आपके लिए गए इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करके देना। तो हालांकि मैं यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड किया, उनको यूज भी किया और उनमें से जो मुझे अच्छा लगा इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। आप चाहे तो इनमें से किसी भी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे अपना जो हिसाब से मुझे जो अच्छा लगा उसके बारे में ही बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए जो एक इमेज टू पीडीएफ करके लिखा है पीडीएफ मेकर, साथ में देखिए इसका जो जिन्होंने इनका लॉन्च किया है इस एप्लीकेशन को, यहाँ पे देखिए सिंपल डिजाइन लिमिटेड, यानी आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मैंने कुछ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज किया, जो मुझे अच्छा लगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप चाहे तो दूसरे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके सेम प्रोसेस में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमें इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। हालांकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है, उसके लिए वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड करके रखा है। तो आपको डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसे ओपन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको ये मांग सकता है कि आपको स्टोरेज के परमिशन वगैरह देना होता है, तो मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड करके रखा है पहले से, इसलिए मैंने ऑलरेडी परमिशन दे दिया है। तो आपको परमिशन देने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सिंपली क्या कर लेना है, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर लेना है। प्लस पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको शायद एड शो हो सकता है अगर आप ऑनलाइन रहते हो, और अगर आप ऑफलाइन रहते हो तो आपको एड शो नहीं होगा। तो मैं सिंपली इसे क्रॉस कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ चुके हैं कि यहाँ पे मैं जितने ऑलरेडी खींचे हुए इमेजेस है इनको भी चूज कर सकता हूँ, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे कैमरे पे क्लिक करके यह जो कैमरा है ना इसमें क्लिक करके नया इमेज भी क्रिएट कर सकते हो, यानी नया इमेज से पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप पहले जिसको भी आपको पीडीएफ करना है उस फाइल को या फिर उस पेज को आप पहले इमेज क्रिएट कर लो, उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं डायरेक्ट ही करूंगा। यहाँ पे देखिए मैं इसको जो कैमरा ऑप्शन है इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए अलाउ इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर टू टेक पिक्चर्स और रिकॉर्डेड वीडियोस, यानी आपको हमें सिंपली इसे व्हाइल यूजिंग द एप इसे अलाउ कर देना है। उसके बाद देखिए ये कैमरा आ चुका है। अब मैं आप लोगों को एक राफ पीडीएफ फाइल क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ, पेज लेके मैं इसको एक इमेज खींच लेता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए मैंने एक इमेज खींच लिया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखिए हो चुका है। आप चाहे तो ये यूज करते टाइम अपना जो डाटा है उसे ऑफ करके रखिएगा, नहीं तो आपको ज्यादा एड दिखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं दूसरा एक पेज को भी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं हालांकि लाइट उतना ज्यादा अच्छा से नहीं आ रहा है, तो मैं देखिए दूसरा एक इमेज भी यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब देखिए यहाँ पे साइड में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे दो इमेजेस हो चुके हैं। इन दोनों इमेज से मैं अभी आपको पीडीएफ क्रिएट करके दिखाऊंगा। आप चाहे तो अनलिमिटेड फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप जितने ज्यादा फाइल को सिलेक्ट करेंगे मतलब इमेज को लेंगे उतना ज्यादा आपका पीडीएफ क्रिएट करने में टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो ही लिया। अब मैं डाटा को थोड़ा सा ऑफ कर लेता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो यहाँ पे देखिए ये क्रॉप का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो एट जी टू एट जी एकदम एक्यूरेटली आप इसका सिलेक्शन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो आप अपने हिसाब से कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जैसे मैं क्लिक करूंगा और एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरे में भी जैसे मैं डन करूंगा ये हो जाएगा, अभी थोड़ा सा क्रॉप एंड जूम हो जाएगा। उसके बाद देखिए अपना जो कुछ दिखाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं है। अब सिर्फ यहाँ पे जो कन्वर्ट टू पीडीएफ है इसमें जैसे मैं क्लिक करूंगा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कन्वर्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए मेरा जल्दी हो चुका है क्योंकि ज्यादा पेज नहीं लिया, यानी ज्यादा इमेज मैंने लिया नहीं। अगर आप ज्यादा इमेज लेते हो तो आपके टाइम पे ज्यादा टाइम लग सकता है।
तो आप देखिए मैं इसको व्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। व्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ बन के आ चुका है। यहाँ पे आप देखो पहला नंबर पेज है, यह दूसरा पेज है। अब इसे क्या करना है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस पे सेव हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर वगैरह भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप जैसे ही मैं लिखूंगा ऐसा कुछ, अगर मैं लिखता हूँ ना मिस्टर सन ऐसा लिख के, जैसे ही मैं डन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए ये आप छोटा बड़ा करके अपना जो सिग्नेचर है ये भी लगा सकते हो, या फिर आपको अगर कुछ लिख के लगाना है वो भी आप लगा सकते हो। उसके बाद आपको डन कर लेना है, ये भी देखिए ऐड हो जाएगा। अब आपको जो सेव पीडीएफ करना है ना, यहाँ पे जैसे ही मैं सेव पीडीएफ करूंगा ये सेव हो जाएगा। देखिए डू यू वॉन्ट टू सेव दिस चेंजेस टू योर मेट, यहाँ पे सेव दूंगा तो ये पूरा मेरे पीडीएफ में सेव हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा जैसे मैं दिखाऊंगा इसको व्यू पे क्लिक कर लेते हैं, या देखिए हो चुका है। अब शेयर पे क्लिक करके इसको मैं थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ, या किसी एक व्हाट्सएप नंबर पे मैं भेज सकता हूँ, यानी आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये मेरे डिवाइस पे पीडीएफ क्रिएट हो चुका है। अब जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अब इसको बैक करके चला जाता हूँ। आप देखिए मेरे पास एक पीडीएफ रीडर है, इसको मैंने ओपन किया। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यह अभी नया नया बना है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये कहा गया, शायद ये नहीं आ रहा है। मैं फाइल को चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ब्राउज मोर फाइल्स, तब जाके ये रिसेंटली आएगा। ये देखिए अभी अभी मैंने बनाया था ये। ये देखिए हो चुका है, मैं थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए लोडिंग ले रहा है। ये देखिए ये जो मैंने लिखा था ना, ये देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। ये आप देखो यहाँ पे आ चुका है जो मैंने साइन डाला था, और यहाँ पे देखिए एक पीडीएफ फाइल क्रिएट हो चुका है। तो आप भी ऐसे करके यार, जैसे मैंने किया ऐसे करके आप भी क्या कर सकते हो, इजीली किसी भी इमेज से यानी मोबाइल से खींचे गए इमेज को लेके आप पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हो। ये खास करके आपको इस टाइम पे काम आएगा, जब आप क्या करते हो ना कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हो, उस टाइम पे आपको ये बहुत ही अच्छा काम आता है। जो आपको प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करके अपने टीचर के पास या फिर प्रोफेसर के पास, मतलब इंस्टीट्यूशन के पास भेजना होता है पीडीएफ फॉर्मेट में, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना होता है, तब जाके ये बहुत ही अच्छा काम करता है।